हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ बायोलॉजी क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी व्हिच इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल. और इसको अनबीटेबल किसने बनाया? आप लोगों ने, आपके प्यार ने. सो यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर टूडेज लेक्चर ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, in which we'll be discussing about blood clotting. एक बहुत ही important topic है जिसमें से अक्सर question पूछे जाते हैं किसी न किसी medical entrance exam में, whether it is NEET, whether it is AIIMS or JIPMER. तो ये fundamentals हम clear करेंगे blood clotting को लेकर के. बहुत सारी interesting बातें आपको बताऊंगा कि normally body में blood clot क्यों नहीं करता है, और अगर clot कर जाता है तो उसे dissolve करने का क्या mechanism होता है. एक नज़र डालते हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन से हमारे डॉक्टर्स, हमारे राजा बेटा जुड़ चुके हैं हमारे साथ. हाँ जी, अभिषेक जी कह रहे हैं नमस्ते, मेघा जी नमस्कार, डिंपल, नैतिक, सुमन, दीपांशु, मनीषा, सरफराज सलाम है सरफराज आपको, प्यारे प्यारे हार्ट्स भेजे हैं जी दीपा जी ने. ओके, थैंक यू सो मच. कोमल, हिरल, अनिका, अनुपमा, दीपशिखा, मिंती, ग्रेट. सो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ. जो फ्रेंड लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिन्होंने अभी तक लॉग इन नहीं करा है, उन्हें जल्दी से मैसेज चटका दीजिए कि भाई आ जाइए यूट्यूब पे. डॉक्टर सचिन कपूर आ चुके हैं और हम लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं, राइट जी? हाँ जी, मैं सबका नाम लूंगा, ऐसी बात नहीं है नाम नहीं लूंगा बिल्कुल लेंगे. स्क्रीन पे नजर डालते हैं जी. फिर से वैशाली जी, सलमान साहब, राजेश, अदिति, विवेक, दीपक, संजीदा, अदिति, उमर फारूक, सात्विक, वंडरफुल. बीच बीच में फिर से आपसे बातचीत होती रहेगी, लेक्चर की शुरुआत भी करते हैं जी. चलिए, मेरे बारे में आप जानते हैं, इतने दिन हो गए हमें एक दूसरे से मिलते हुए. सो मैं आपके बारे में जान चुका हूँ, आप मेरे बारे में जान चुके हैं, तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस का प्लेटफॉर्म, प्लस पे फ्री ट्रायल चल रहा है 7 डेज का, आप जानते हैं. सो 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल्स हैं, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर कीजिए. क्विजेज हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशन हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है इस पे आपको. सो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जिनके अलग अलग कोर्सेस चल रहे हैं. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, वन ऑफ द ट्रेंडी एप्स जो सबसे इस समय हॉट है न्यूज में, एजुकेशन इंडस्ट्री में. सो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन होने में होना उतना ही जरूरी है जितना आप व्हाट्सएप एंड फेसबुक यूज करते हैं. प्री मेडिकल नीट एंड एम्स सब्सक्रिप्शन, अगर आप एनुअल लेते हैं आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा, और इसमें नीट लाइव कोड यूज करना नहीं भूलना है. एंड लेट्स कम टू द पॉइंट, अनलॉक 7 डे फ्री ट्रायल. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सुबह मॉर्निंग में प्लस में मेरी क्लास में होते हैं, कईयों के नाम मुझे याद है जो सुबह अटेंड करते हैं क्लासेस. रोशनी ने क्लास अटेंड करी थी, आई रिमेम्बर, ऋतुव्रता रॉय ऑल्सो. चलिए, नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, नीट लाइव कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है हमारी टीम की तरफ से. चलिए, 250 के करीब लोग जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ, और अब हम पूरी गर्मी के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू करने जा रहे हैं. और हर क्लास की शुरुआत आपके साथ एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करता हूं. सो आज मेरे पास है, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो will be our doubts of today. यदि आज आपके मन में कोई शक या संदेह रह गया, तो शायद जिस मुकाम को आपने हासिल करना है वहां कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए. तो ऐसा होने ही मत दीजिए, कोई शक शुबा अपने दिमाग में मत रखिए. आप अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी गुड विशेज आपके साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन है आपके लिए, अल्टीमेट मेहनत आपकी है. वही बच्चा सफल होता है जो खुद सच्चे दिल से मेहनत करता है. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं. सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता चढ़ के जो सीधे ऊपर चले गए. बहुत रेयर लोग ऐसे होते होंगे कि भाई जिनको सफलता के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ी हैं. सो आपको सफलता के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी. हाँ जी, कोमल, यू आर ऑल्सो देयर इन द क्लास, आई रिमेंबर. ट्विंकल, हुमा, कनिष्क, पिंकी, जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द कोटेशंस. सूर्यांश जी नमस्कार कर रहे हैं, प्यार भरा, आपको भी ढेर सारा नमस्कार. चलिए देखिए कितनी खतरनाक सी स्लाइड मैंने आपको बनाई है आपके लिए. क्रीपी सी लग रही हुई है आपको, आप देख रहे हैं जी, कट लग गया और खून टपक रहा है. यही कहानी है आज की हमारी, कि जब कभी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाती है, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो क्या मैकेनिज्म होता है ब्लड के क्लॉट करने का. ब्लड क्लॉटिंग जो है, इसमें
और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. ब्लड क्लॉटिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस. हम जो आज पढ़ेंगे ना बेटा जी, ऊपर हेडिंग देखिए, हेडिंग है हीमोस्टेसिस. डो नॉट कंफ्यूज इट विद होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. दिस इज हीमोस्टेसिस. स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा. हाँ जी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा. दीपांशु जी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हम पढ़ने जा रहे हैं. एंड अभिषेक जी ने लिखा ब्लड. ऋषि कह रहे हैं जी खून टपक रहा है. एनीवे, एक डॉक्टर होने के नाते अब आपको यही तो ध्यान देना है कि भाई किन चीजों से आपको कहीं कोई घबराहट नहीं होती है देख करके. फोबिया ऑफ ब्लड भी होता है कई लोगों को, दैट्स कॉल्ड हेमेटोफोबिया. पीपल दे गेट अफ्रेड बाय जस्ट लुकिंग एट द ब्लड और समवन हु इज ब्लीडिंग. एनीवे, चलिए शुरुआत करते हैं जी. बात है होमियोस्टेसिस की. होमियोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, दो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है. दिस इज हीमोस्टेसिस. सो हीमोस्टेसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस. जब कभी चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, थोड़ी देर बाद वो खून बहना बंद हो जाता है, उसी को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं. और इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वी विल सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हीमोस्टेसिस. लेकिन राजा बेटा, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक मिलता जुलता टर्म इससे, दैट इज होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस होता है बेटा जी मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज होमियोस्टेसिस. राइट, जो हम पढ़ रहे हैं हीमोस्टेसिस. क्लियर हो गया डिफरेंस? राइट, आगे बढ़ सकते हैं. वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे जी. साथ साथ राजेश ने दोनों टर्म्स लिख के भेज दिए, होमियोस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस. हम जिक्र कर रहे हैं यहां पे हीमोस्टेसिस का, ठीक है जी. नाउ देखते हैं कैसे होता है हीमोस्टेसिस. किसी ब्लड में, ब्लड वेसल में जब कट लग जाता है, अगर तो वो एक माइनर कट है, हल्का फुल्का है, तो बॉडी अपने आप उसे रिपेयर कर लेती है. लेकिन अगर मेजर इंजरी हो गई है, एक बड़ी ब्लड वेसल कट गई है, राइट, तो बड़ी ब्लड वेसल अपने आप ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो अपने आप हीलिंग नहीं होगी. आई मीन उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है. तो उसमें ये नेचुरल प्रोसेसेस उसे अपने आप ठीक नहीं कर सकते अगर वो मेजर कट हुआ. तो अगर माइनर हुआ तो वो हो जाएगा मैनेज, ठीक है जी. यही बात हम कर रहे हैं. इधर देखिए, लेट सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हीमोस्टेसिस. पहला स्टेप है वेस्कुलर स्पैसम. स्पैसम का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, अकड़न, मसल्स की ऐंठन. स्पैसम अभी आपको समझाता हूं. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, और इट इज रिटन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. द थर्ड स्टेप इज ब्लड क्लॉटिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोएगुलेशन. तो हम ये कहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग ओवरऑल इस हीमोस्टेसिस प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है. वेस्कुलर स्पैजम क्या होता है, देखो जी, मान लीजिए बेटा जी ये एक ब्लड वेसल है. इस ब्लड वेसल में किसी कारण से देर इज एन इंजरी एंड दिस एरिया इज कट. जहां पे कट लगा है यहां पे कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाएंगे. दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल. सो द कोलेजन फाइबर्स आर एक्सपोज्ड हियर. सो जहां भी कट लगा है ब्लड वेसल में, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है. ब्लड वेसल की वॉल में स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो जो स्मूथ मसल्स हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो ये मैं एरोस के जो निशान दिखा रहा हूं, दिस एरो इज इंडिकेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. ब्लड वेसल की वॉल में कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं. सो वेस्कुलर स्पैजम से मतलब क्या है, द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन. स्पैजम हो जाता है, अकड़न हो जाती है उस एरिया में, ताकि वो जो रप्चर्ड एरिया है वहां से ब्लड का लॉस मिनिमाइज हो. ये हुआ वेस्कुलर स्पैजम. दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. भाई ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, चलो मैं यहां पे येलो कलर लेके प्लेटलेट्स दिखा रहा हूं. ये प्लेटलेट्स जैसे ही इन एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स के संपर्क में आते हैं,
So I'll write when the platelets come in contact with exposed collagen fibers. ये platelets जो है ये swell करने लगते हैं, फूलने लगते हैं. Platelets swell करके यहाँ पे एक loose plug बना देते हैं. This loose plug is what is called platelet plug. जैसे ही platelets exposed collagen fibers के contact में आए, वो platelets फूलने लगते हैं. They swell and they release ADP. इसके अलावा वहां पे कैल्शियम आयंस आ जाते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण प्लेटलेट्स एक दूसरे से भी चिपकने लगते हैं और वहां पे एक लूज प्लग बन जाता है. तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. पर यह लूज प्लेटलेट प्लग अकेला काफी नहीं है खून के बहाव को रोकने के लिए, इसलिए जरूरी हो जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग भी अब साथ के साथ शुरू हो जाए. तो जो तीसरा स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग का, ये भी साथ के साथ शुरू हो जाता है. सो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है इन तीन स्टेप्स के बारे में. ओके, आप कह रहे हैं येलो कलर उतना विजिबल नहीं है, ठीक है बेटा, नो इशू, मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूं इसके लिए, ठीक है जी. राइट आगे बढ़ सकता हूं. वीडियो को लाइक करने में कमी मत कीजिएगा. आपने कहा प्लेटलेट्स के लिए कोई दूसरा कलर यूज कर दीजिए, नो इश्यू जी, मैं प्लेटलेट्स के लिए आपके लिए यहां पे ब्लैक कलर यूज कर देता हूं. उसी एग्जैक्टली जो मैंने प्लेटलेट बनाया था मैं उसके ऊपर ये ब्लैक कलर से मार्किंग दिखा देता हूं. ये है प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स जो है व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स, प्लेटलेट्स फूल जाते हैं एंड दे फॉर्म दिस लूज प्लग. लो, मैं प्लेटलेट्स को अंदर से शेड भी कर देता हूं ताकि अब आपको क्लियर हो जाए कि यहां पे क्या हुआ है. प्लेटलेट्स जो है वो जैसे ही कॉन्टेक्ट में आए हैं किसके, कोलेजन फाइबर्स के, और उसके कारण से वो फूल के एक प्लग बना देते हैं. ये प्लेटलेट प्लग अकेला काफी नहीं है खून के बहाव को रोकने के लिए, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग भी साथ के साथ शुरू हो जाता है. अब हम ये तीनों स्टेप्स डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, वैस्कुलर स्पैज़म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द वैस्कुलर स्पैज़म. राइट, देखिए आप कहेंगे फिर से इधर एक भयानक सा सर ने एनिमेशन चला दिया है हमें डराने के लिए. ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी वेन काट ली है और उसमें से खून निकल रहा है. डॉक्टर ऋषु जी, ऋषि कह रहे हैं अब क्लियर है. संयोगिनी, इज इट क्लियर? शंभु कुमार, क्रिस्टल क्लियर. ओनली वन आरबीसी कलर इज येलो. आरबीसी नहीं, वो प्लेटलेट होगा, अगर एक येलो रह भी गया तो कोई बात नहीं जी. चलिए ठीक है. आनंद राजीव जी कह रहे हैं 1000 लाइक्स मिलेंगे. बिल्कुल जी, अगर आप हैं तो डेफिनेटली मिलेंगे. और वीडियो को ज्यादा लोगों तक भी वायरल कीजिए. मैं चाहूंगा इस समय लाइव ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके. दैट रियली गिव्स अ काइंड ऑफ बूस्ट एनर्जी टू द पर्सन हु इज टीचिंग यू. नाउ ये वाला डायग्राम मैंने क्यों दिखाया आपको, ये एनिमेशन, कि अगर कोई लार्ज कट है, मैंने कहा ना अगर वो लार्ज कट हुआ तो वो अपने आप नहीं जुड़ सकता, यहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. हो सकता है टांके लगाने की जरूरत पड़ जाए, यहां पे ये अपने आप ठीक नहीं होगा. हम जो ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं वो छोटी मोटी इंजरी के लिए होता है, ठीक है. लार्ज स्केल पे अगर ब्लड लॉस हुआ तो वो नहीं रुकेगा. हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स कैन प्रिवेंट हेमोरेज फ्रॉम स्मॉलर ब्लड वेसल्स, लिखा है ना, बट एक्सटेंसिव हेमोरेज फ्रॉम लार्जर वेसल्स यूजली रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन, लिख दिया गया है यहां पे. मैंने उसी बात को आपको सर्जिकल इंटरवेंशन बोल दिया है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकता हूं जी. राइट, ओके. दीपांशु कह रहे हैं किसी ने नस काट ली है अपनी. चलिए आगे देखते हैं. बात चल रही है वेस्कुलर स्पैज़म की, कि वेस्कुलर स्पैज़म क्या होता है. सो देखते हैं जी वेस्कुलर स्पैज़म. व्हेन आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स आर डैमेज्ड द सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स इन देयर वॉल, ब्लड वेसल की वॉल में जो स्मूथ मसल है दे कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, तो उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को ही वेस्कुलर स्पैज़म कहा जाता है. राइट, दिस रिड्यूसेस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स टू सेवरल आवर्स. हो सकता है वो स्पैज़म काफी लंबे समय तक रहे, ड्यूरिंग विच टाइम द अदर हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म्स गो इनटू ऑपरेशन. जब तक वो मसल्स की अकड़न हो रखी है
तब तक बाकी मैकेनिज्म साथ के साथ शुरू हो जाएंगे, प्लेटलेट प्लग बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे ये ब्लड वेसल थी, नाइफ या ब्लेड से उसे काट दिया गया, ब्लड वेसल इंजरी। अब आप देख रहे हैं ब्लड वेसल की वॉल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ऐसे सिकुड़ गई है। ये एरो का निशान देखिए यहां पे, इसी चीज को स्पैज्म कह रहे हैं, वो एरिया मिनिमाइज हो गया है ताकि वहां से ब्लड का खून का बहाव कम हो। क्लियर है? साथ के साथ आप इधर देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये एंडोथेलियल सेल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये अंदर का प्लाज्मा इन द वेसल ल्यूमेन है, ये बाहर से कट दिखाया है, द कट एज ऑफ द वेसल वॉल, यहां पे कट लगा, उस एरिया में कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए, वहीं पे प्लेटलेट्स ने आकर के इकट्ठा कर लिया अपने आप को, एक प्लग बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये प्लग लूज है, ये अकेला काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी। बताइए दीपक कुमार अंसारी, बोलिए जी, मुस्कान, संकल्प, यश कुमार, इशाश्री, हिरल, ब्यूटीफुल इमेजेस कह रहे हैं आप, थैंक यू सो मच जी। राइट, राधा रमन जी कह रहे हैं कि आपकी ड्राइंग्स देख करके मजा आ गया, सब समझ आ जाता है। आपने कहा क्या ये वेन्स में होता है? बेटा कट तो आर्टरी या वेन किसी में भी लग सकता है, जो सुपरफिशियल है वो वेन्स होती है, वेन्स आर सुपरफिशियल, आर्टरीज आर डीपली लोकेटेड। आर्टरी अगर कटे तो खून ज्यादा प्रेशर से बाहर को निकलता है, बिकॉज ब्लड फ्लोज विद ग्रेटर प्रेशर इन आर्टरीज। चलिए जल्दी से लाइक्स दबा दीजिए अपने, जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है उनके लिए और ब्यूटीफुल एनिमेशंस आ रही हैं आगे। ना प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अलग अलग अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं वो बता दूंगा। There is calcium ions and serotonin and there is ADP also, adenosine triphosphate. ये platelets की बात हो रही है कि platelets के अंदर ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, platelet plug formation continue हो रहा है, platelets के पास एक platelet derived growth factor होता है, ये important है याद रखिएगा, platelet derived growth factor PDGF, right? ये PDGF क्या करता है, ये हार्मोन की तरह काम करके प्रोलिफिरेट करा देता है, मतलब नंबर बढ़ा देता है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स का, ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लाइनिंग में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, देन वेस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स का। आप जानते हैं मसल्स डिवाइड नहीं करते हैं, स्मूथ मसल्स में ये एक्सेप्शनल बात हो जाती है इंजरी के टाइम पे कि ब्लड वेसल की वॉल में जो मसल्स है ना वो भी प्रोलिफरेट करने लगते हैं। हमने तो यही पढ़ा था ना, मस्कुलर टिश्यू डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, तो आप ये क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल बात है। पीडीजीएफ के रिस्पॉन्स में प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ऐसा ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट से आया है, सो वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है वो इसको प्रोलिफरेट करवा देता है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन भी करवाता है। ठीक है जी, राइट right? आगे बढ़ू ना, इधर देखिए ये ब्यूटीफुल सा एनिमेशन देखिए, आप देख पा रहे हैं ना ये क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स यहां पे कट लगा, आप देखेंगे जहां कट लगा है वहां कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए हैं, जैसे ही उन एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स के संपर्क में प्लेटलेट्स आए हैं ये फूलना शुरू कर देते हैं और वहां पे इकट्ठी होती जाएंगी, एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट को इनवाइट कर लेगी और वो कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे कि प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं। मैं हट जाता हूं साइड में, जरा आप देख लीजिए गौर से इसे। ठीक है जी, राइट सो ये था प्लेटलेट्स का वहां पे इकट्ठा होना, एडहेशन होना। मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं दैट व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। द फर्स्ट स्टेप इज प्लेटलेट एडहेशन। प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू पार्ट्स ऑफ अ डैमेज्ड ब्लड वेसल सच एज कोलेजन फाइबर्स। ध्यान रखिएगा प्लेटलेट्स जो है वो कोलेजन फाइबर्स के साथ टच होते ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ये आप डायग्राम इधर भी देख लीजिए, कोलेजन फाइबर्स एंड द डैमेज्ड एंडोथेलियम और प्लेटलेट्स वहां आनी इकट्ठी हुई। ये देखिए इसको प्लेटलेट लेबल करा गया है, ये जो पर्पल कलर से है, एंड आरबीसी भी दिख रहे हैं आपको उसमें। राइट, नाइस एनिमेशन, मजा आया जी देख करके। हाँ जी, कैला कलश जी कह रहे हैं मस्त है एनिमेशन, थैंक यू सो मच जी। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप इन द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन. प्लेटलेट्स एक्सटेंड मेनी प्रोजेक्शंस एंड बिगिन टू लिबरेट द कॉन्टेंट्स ऑफ देयर वेसिकल्स. प्लेटलेट्स के अंदर जो कुछ भी भरा होता है फिर प्लेटलेट्स वो रिलीज करने लगते हैं, और जो चीजें प्लेटलेट ने रिलीज करी हैं वो बाकी प्लेटलेट्स को वहां पे इकट्ठा कर लेंगी, क्योंकि सबने मिलके एक लूज प्लग बनाना है ना. तो लिबरेटेड एडीपी थ्रोम्बोक्सेन A2, ये भी याद रखिएगा, द लिबरेटेड एडीपी थ्रोम्बोक्सेन A2 प्ले अ मेजर रोल बाय एक्टिवेटिंग नियर बाय प्लेटलेट्स. आसपास की प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने लगती हैं. आप इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं प्लेटलेट्स ने अपनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऐसे एक्सटेंड करी और ये वाले सब्सटेंसेस रिलीज कर दिए. क्लियरली दिखाया गया है एरो के निशान से भी क्या क्या सब्सटेंसेस रिलीज करे हैं, एडीपी सीरोटोनिन थ्रोम्बोक्सेन A2, राइट जी. ये हुआ प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन. पहला था प्लेटलेट एडहेशन, सेकेंड क्या है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन. नेक्स्ट देखिए क्या है जी, प्लेटलेट एग्रीगेशन. इस स्लाइड को भी ध्यान से देखिए, यहां पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते जा रहे हैं. एक प्लेटलेट पहुंचा था, 2, 4, 5, 7 इकट्ठे होकर के यहां पे हजारों प्लेटलेट्स ने एग्रीगेट कर देना है. सो दैट मींस प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में. आपने पढ़ा है डेंगू फीवर, डेंगू जब हो जाता है सो उसमें प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है. अब आप समझ पा रहे हैं प्लेटलेट्स का काउंट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो वहां पे क्या समस्या हो जाएगी. प्लेटलेट काउंट अगर रिड्यूस हुआ है तो प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा. ब्लड वेसल्स में जो कट लगा है वहां पे अगर प्लेटलेट से इकट्ठी नहीं हुई तो ब्लीडिंग कॉन्टिन्यू रहेगी. ठीक है जी, राइट. दिनेश मौर्य जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड नहीं है. आप पूछ रहे हैं किडनी फेलियर क्यों है. जब हम किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा. चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे. इधर देखिए, अ प्लेटलेट प्लग इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस इन स्मॉल वेसल. पहले भी यही बोला, छोटी वेसल्स में तो चल जाएगा, ये बड़ी वेसल्स में नहीं हो पाएगा अकेले इससे. इनिशियली द प्लेटलेट प्लग इज लूज बट देन इट बिकम्स क्वाइट टाइट व्हेन इट इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइब्रिन. अभी हम फाइब्रिन का रोल पढ़ेंगे, द फाइब्रिन थ्रेड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लॉटिंग. तो वो जो लूज प्लेटलेट प्लग होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू टाइट प्लेटलेट प्लग बाय व्हाट. द लूज प्लेटलेट प्लग इज कन्वर्टेड इनटू टाइट प्लेटलेट प्लग बाय फाइब्रिन थ्रेड्स. फाइब्रिन एक प्रोटीन है, हम पढ़ेंगे. देयर इज प्रोथ्रोम्बिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन इज कन्वर्टिंग देन फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन. सो अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप्स पढ़ लिए हैं हीमोस्टेसिस के. हीमोस्टेसिस के तीन स्टेप्स आपको बताए थे. पहला स्टेप था वेस्कुलर स्पैज्म, सेकेंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, और अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, राइट. हीमोस्टेसिस के तीन स्टेप्स हमने पढ़ने हैं. इसके बाद एक चौथा स्टेप होगा कि क्लॉट जब बन गया है तो क्लॉट सिकुड़ता है, क्लॉट रिट्रैक्ट भी करता है. इतना क्लियर है जी. आगे बताइए जल्दी से. करिश्मा जी कह रहे हैं कि आपका नोट्स बहुत पसंद है मुझे, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट. संकल्प जी कह रहे हैं प्लेटलेट्स से दैट वी नीड बैकअप, ओके. चलिए हां जी बताइए जल्दी से, इतना क्लियर है आपको. लाइक्स बढ़ाइए वीडियो पे ताकि स्क्रीन की तरफ जब मैं देखूं तो मुझे एनर्जी मिल जाए. हम एटीपी एडीपी की बात ही कर रहे हैं तो जल्दी से हम एटीपी एडीपी जो है वो यहां पे बढ़ा देते हैं, दैट रियली बूस्ट्स द टीचर. ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, राइट. जल्दी से बोलिए, साजिया, सार्थक, डिंपल, हुमा, करिश्मा. चलिए आगे बढ़ रहा हूं जी. इधर देखिए, ब्लड क्लॉटिंग की बात हमने करनी है. देखिए, नॉर्मली द ब्लड रिमेन्स इन इट्स लिक्विड फॉर्म एज लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन इट्स वेसल्स. मान लीजिए ये मैं आपको एक ब्लड वेसल दिखा रहा हूं, जब तक ब्लड ब्लड वेसल के अंदर है, ब्लड इसी में तो फ्लो कर रहा है ना ऐसे. सो जब तक ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर तब तक वो आसानी से ऐसे ही क्लॉट नहीं करेगा. कई वजह हैं जो ब्लड को ऐसे ही क्लॉट नहीं होने देती. यहां पे एंडोथेलियल सेल्स हैं, है ना. एंडोथेलियल सेल्स स्मूथ हैं, कहीं पे कोई डैमेज नहीं है, कोई ब्लड के रास्ते में रुकावट नहीं है, तो ब्लड ऐसे ही अपने आप क्लॉट नहीं करता.
अनलेस एंड अंटिल ब्लड का फ्लो बहुत ही स्लो हो जाए, ठीक है. सो ब्लड इज फ्लोइंग स्मूथली इन अ ब्लड वेसल, यही लिखा है. नॉर्मली द ब्लड रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एज लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन इट्स वेसल, बट इफ इट इज विदड्रॉन फ्रॉम द बॉडी. मान लीजिए आपने एक ब्लड वेसल में से आपने ब्लड सैंपल निकाला है. सो हम दिखा देते हैं कि एक सिरिंज के जरिए हमने यहां से स्मॉल अमाउंट में ब्लड निकाला है. अब आपने वो ब्लड निकाल के मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया. जब आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल देंगे, सपोज लैब में आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, ब्लड की कॉम्पोजिशन चेक करनी है, आपने उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है जी. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहां पे क्लॉट बन जाता है और एक फ्लूइड उससे फिर थोड़ी देर में सेपरेट हो जाता है और उस फ्लूइड को हम कह देते हैं सीरम. If the blood is withdrawn from the body, the blood thickens and it forms a gel. Eventually, the gel separates from the liquid. Right? Blood पहले liquid है, फिर वो एक gel जैसी चीज में convert हो जाता है और वो gel liquid से फिर अलग होती है. Gel जो है वो clot कहलाती है और वो जो liquid अलग से बच जाता है, that is what is called serum. Clear है जी? Right? Now, the straw colored liquid that is called serum is simply blood plasma minus the clotting proteins. To serum kya hota hai beta? Blood jab clot kar jata hai to clot jab sikudta hai uske andar se ek fluid nikalta hai, serum. Serum is plasma minus clotting factors. प्लाज्मा में से क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स हटा दीजिए तो जो बचा है वो सीरम है. जब आपने प्लाज्मा कहा इसका मतलब आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पहले ही अलग कर दिए हैं, है ना. ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी हटा दीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हटा दीजिए, जो बचेगा वो सीरम है. सीरम कैनॉट क्लॉट बिकॉज सीरम में से क्लॉटिंग फैक्टर्स तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है. और वो जो जेल जैसी चीज बनी थी उसको हमने कहा क्लॉट. क्लॉट के अंदर देर इज नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड. जैसे मान लीजिए ये ब्लड क्लॉट बना है, ब्लड क्लॉट ने इस रप्चर्ड ब्लड वेसल को यहां से सील कर दिया है, राइट. क्लॉट कैसे बना था? कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुए थे, कोलेजन फाइबर्स में प्लेटलेट प्लग बन गया था और इसी प्लेटलेट प्लग को मजबूती देने के लिए यहां पे फाइब्रिन के थ्रेड्स आ गए. ये फाइब्रिन कहां से आ जाता है ये भी हम पढ़ेंगे. सो फाइब्रिन थ्रेड्स ने इसको ट्रैप कर लिया तो ये बन गया क्लॉट. फिर जब ये फाइब्रिन सिकुड़ेगा, जब ये क्लॉट सिकुड़ेगा तब यहां से सीरम ऊज आउट होगा. वो भी अभी स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है, ठीक है. क्लॉट के सिकुड़ने का भी जरूरी है बिकॉज क्लॉट जब रिट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल के जो कटे हुए हिस्से हैं, जो ब्रोकन एंड्स हैं, वो पास पास आ जाएंगे. मान लो एक सिरा यहां था ब्लड वेसल का, एक यहां था. सो जब ये चीज सिकुड़ रही है तो ऑफकोर्स इट ब्रिंग्स द ब्रोकन एंड्स ऑफ द ब्लड वेसल क्लोजर ताकि वहां पे रिपेयर प्रोसेस शुरू हो सके, ठीक है जी. राइट आगे बढ़े जी. दीपक जी हम अभी क्लॉटिंग टाइम की भी बात करेंगे, 3 to 5 minutes. और लिवर आपने क्यों लिखा है? अच्छा लिवर कहां बन, लिवर क्या बना रहा है, शायद आपने इस सिलसिले में लिखा होगा, वो भी डिस्कस करेंगे जी. राइट. ब्लड कोएगुलेशन क्यों स्लो हो जाता है? थोड़ा सबर रखिए, आप इतनी जल्दी जंप मत किया कीजिए. आप वो क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और कभी मान लो आपको समझ नहीं आए. यू शुड वेट, लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक. राइट. समटाइम्स इट सीम्स दैट यू ट्राई टू जज द नॉलेज ऑफ द टीचर बाय आस्किंग दोज क्वेश्चन विच यू हैव ऑलरेडी रेड और मे बी विच आर देयर इन योर माइंड. प्लीज डू नॉट डू दैट. हैव पेशियंस, लेक्चर सुनिए और उसके बाद अगर डाउट हो तो पूछिए, है ना. ये इररेलेवेंट चीजें हम बीच में पहले ही पूछने शुरू कर देते हैं. दैट रियली इरिटेट्स द टीचर एंड इट आल्सो डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द लेक्चर आल्सो. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. राइट. अदरवाइज फिर मैं स्क्रीन पे देखूंगा ही, फिर आप कहोगे हमारा नाम नहीं लिया आपने. एग्रीड, सहमत है ना इस बात से जी. ईशाश्री, अंश, अमित, मुस्कान, सुमाया, अभिषेक, शिवेंद्र, करिश्मा, अर्चना, नातिक, ऋषि, दीपांशु. दीपांशु जी कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही बात है ना. ग्रेट दीपांशु. ऐसे तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर तुम पे क्वेश्चंस की बौछार कर दूं. बताओ भाई ये आता है, ये आता है, तुम्हें आता है, तो कुछ भी नहीं आता होगा तुम्हें.
एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर का फ्लो कंटिन्यू रखते हैं और साथ के साथ आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए। नाउ अब ध्यान देंगे बेटा जी कि ब्लड क्लॉटिंग की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपने एक पूरी लिस्ट देखी होगी क्लॉटिंग फैक्टर्स की, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ऐसे करके हैं। रोमन न्यूमरल्स में ही उनको लिखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लिखते हैं, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, 3। नाउ व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, जिस सीक्वेंस में हमने उन्हें लिखा है, जैसे अभी मैं आपको एक आगे वाली स्लाइड पे दिखाता हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की। इधर देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोमन न्यूमरल्स में ही लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखना ही कन्वेंशन है, ऐसे ही लिखना है आपको और इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं, राइट? नाउ अब आप सोचेंगे क्या ये सारे के सारे याद करने, जस्ट रिलैक्स, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे फाइब्रिनोजन पहला है, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, एक्सेलरिन, लेबाइल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। सो इन फैक्टर्स को इस सीक्वेंस में क्यों रखा है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कवरी। जैसे जैसे ये डिस्कवर होते गए, मान लो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में डिस्कवर हुआ था, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग या विद रिस्पेक्ट टू देयर इंपॉर्टेंस, नहीं, द सीक्वेंस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कवरी। इनका ये जो सीक्वेंस है, सुनिए प्रिया ध्यान से, द सीक्वेंस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कवरी, कि किस किस ईयर में डिस्कवर होते गए। फैक्टर सिक्स एक होता है बेटा, आप देखेंगे यहां पे फैक्टर सिक्स मिसिंग है, पांच के बाद सीधा सेवन लिख दिया है। जो फैक्टर नंबर सिक्स है उसको हाइपोथेटिकल फैक्टर कहते हैं। पहले वो फैक्टर हम काउंट करते थे, बाद में हमें पता चला कि फैक्टर सिक्स कुछ होता ही नहीं है। अगर हम फैक्टर सिक्स की जगह पूरा सीक्वेंस हटाते तो सेवन सिक्स बनता और जो एट था वो सेवन बनता। तो इसलिए हमने ये करा कि भाई सीधा कह दिया कि फैक्टर नंबर सिक्स जो होता है, फैक्टर नंबर सिक्स जो है दैट इज हाइपोथेटिकल फैक्टर, दिस फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? ज्यादातर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो लिवर में बन रहे हैं, लेकिन कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो डैमेज्ड टिश्यूज एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट से आते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, लिवर 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 लिवर, मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस बाय लिवर। सो नाउ यू कैन सी दैट लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लिवर में बनने वाले ये क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्रोटीन्स ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। तो लिवर रिलेटेड कोई डिसऑर्डर जब हमें होता है तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस भी इफेक्ट होती है। क्लियर है जी इतना? करिश्मा जी राइट, राहुल कुमार फैक्टर सिक्स डजंट एग्जिस्ट, इसको हाइपोथेटिकल फैक्टर भी कहते हैं। अर्पित, अदिति, आशीष, मिंती, शाहबाज खान, आशीष, क्लियर है जी? नहीं नहीं अनुपमा, मैं बता देता हूं कौन कौन से फैक्टर्स आपको याद करने हैं। भारती ने कहा एक्सेलरिन, ओके, सो व्हाई फैक्टर सिक्स केम, यू डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड दैट दीज आर विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्कवरी। ऑन अ पर्टिकुलर ईयर वन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ फैक्टर, फैक्टर सिक्स, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट दिस सच अ फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स अ हाइपोथेटिकल फैक्टर। राइट जी? क्लियर है? राइट right? आपने कहा जस्ट टू क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट मेड बाय लिवर, गिरीश ने ये चीज लिस्ट में से ढूंढी है, दैट्स रियली गुड, वंडरफुल। चलिए जितने लोग अभी देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं करा है वीडियो को, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ पीछे लौट के देखिए राजा बेटा, मैंने ये कहा कि ब्लड क्लॉटिंग में देयर आर सो मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व। These clotting factors include क्या क्या है, जैसे calcium ions हैं, बहुत सारे inactive enzymes हैं which are synthesized by hepatocytes. Hepatocytes are cells of liver. Then there are various molecules associated with platelets. ये उन सारे factors के बारे में एक generalized way में ये बात कह दी कि भाई clotting factors में क्या क्या चीजें involved हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिवर बना रहा है, कैल्शियम हम डाइट में लेते हैं, एंड देन देयर आर वेरियस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद प्लेटलेट्स। कई चीजें ऐसी भी हैं जो प्लेटलेट्स ने रिलीज करी होंगी। अब इधर देखिए, मोस्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर आइडेंटिफाइड बाय रोमन न्यूमरल्स दैट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द क्लॉटिंग प्रोसेस।
उनका जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 जो लिखा है वो उनकी डिस्कवरी के हिसाब से है. ठीक है जी, राइट है, इतना क्लियर है जी. चलिए आगे देखते हैं ये वाली चीजें, स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. नाउ अब हम आ गए ब्लड क्लॉटिंग में. हमारे ब्लड में कई तरह के सब्सटेंसेस हैं. योर ब्लड हैज प्रो कोएगुलेंट्स जो कि क्लॉटिंग की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं. योर ब्लड ऑल्सो हैज एंटी कोएगुलेंट्स जो क्लॉटिंग नहीं होने देते. ध्यान दीजिएगा, वेरियस सब्सटेंसेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. सम आर कॉल्ड प्रो कोएगुलेंट्स. प्रो कोएगुलेंट्स दे स्टिमुलेट और प्रमोट क्लॉटिंग. जो प्रो कोएगुलेंट्स हैं दे स्टिमुलेट क्लॉटिंग. नाउ देर आर एंटी कोएगुलेंट्स ऑल्सो. जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं बेटा जी दे इनहिबिट क्लॉटिंग. एंटी कोएगुलेंट्स इनहिबिट क्लॉटिंग. योर ब्लड हैज बोथ. हमारे ब्लड में प्रो कोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं. ब्लड क्लॉट करेगा या नहीं करेगा इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ बैलेंस बिटवीन द टू कि ज्यादा क्या है. जनरली प्रो कोएगुलेंट्स डोमिनेट एंड ब्लड डज नॉट क्लॉट. लेकिन जब कभी इंजरी हो जाती है, जिस जगह पे इंजरी होती है वहां पे एंटी कोएगुलेंट्स डोमिनेट जो सॉरी वहां पे प्रो कोएगुलेंट्स जो है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं. लेट मी रिपीट द कंसेप्ट, शायद मैंने कुछ रिवर्स में बोल दिया. योर ब्लड हैज प्रो कोएगुलेंट्स एज वेल एज एंटी कोएगुलेंट्स. प्रो कोएगुलेंट्स प्रमोट क्लॉटिंग, एंटी कोएगुलेंट्स इनहिबिट क्लॉटिंग. That clotting will happen or not, it depends on degree of balance between the two. And generally, anticoagulants predominate. Correct कर लीजिएगा. Anticoagulants predominate and blood doesn't clot. But जब कभी injury हो जाती है उस जगह पे procoagulants predominate और blood clot करने लगता है. दोनों चीजों को liver बना रहा है. जैसे anticoagulant heparin है, liver में बनता है. प्रोकोएगुलेंट में आपने कितने सारे देखे, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सब चीजें भी लिवर में बन रही हैं. सो लिवर में एंटीकोएगुलेंट प्रोकोएगुलेंट दोनों बन रहे हैं. क्लियर है इतनी बात. कुछ आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं. व्हेन यू स्टोर द ब्लड इन ब्लड बैंक्स तब हम उसमें आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स मिलाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट जो कि कैल्शियम आयंस को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, EDTA, इथाइलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो कि चिलेशन कर देता है कैल्शियम का. बिकॉज कैल्शियम इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. अगर आपने कैल्शियम हटवा लिया तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं करता है. और जो स्टोर्ड ब्लड है उसे काफी लो टेम्परेचर पर भी रखा जाता है ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन वो सब स्टॉप हो जाए. क्लियर है जी, राइट. ओके आगे देखते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के क्या क्या स्टेजेस हैं. सबसे पहले तो जरूरी है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना. हम जो बेसिक प्रक्रिया है वो जानते हैं बेटा. बेसिक प्रक्रिया यहां पे ये होने वाली है कि प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन को जैसे कि लिवर ने बनाया है, प्रोथ्रोम्बिन शुड बी कन्वर्टेड इंटू थ्रोम्बिन. और ये थ्रोम्बिन जो है दिस विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए आपको चाहिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. शॉर्ट में लिख देता हूं PA. और इसके साथ साथ कैल्शियम आयंस भी चाहिए. सो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ठीक है जी. और दूसरा स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, विच इज द सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन. तो वो कौन करेगा, ये वाला जो थ्रोम्बिन है बेटा जी, ये कन्वर्ट कर देगा आगे जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में. और यहां पर भी कैल्शियम आयंस चाहिए. कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन विच इज अ प्रोटीन. दिस फाइब्रिनोजन विल बी कन्वर्टेड इंटू फाइब्रिन. एंड विच protein will be doing that? Thrombin. Thrombin is going to act as an enzyme and convert fibrinogen into fibrin. तो ये तीन steps हैं. यही तीन steps हमने पढ़ने हैं. क्या क्या है तीन steps? सबसे पहला step है जो इधर देखिए, that is the formation of the prothrombin activator. और दूसरा step क्या है, conversion of prothrombin to thrombin. And तीसरा है conversion of fibrinogen to fibrin. Clear हुआ? Right? आगे बढ़ूं? हाँ जी. Can we proceed? हाँ, आपने सही लिखा है कि कैस्केड प्रोसेस है. बिल्कुल जी, इसे कैस्केड प्रोसेस कह देते हैं. एक स्टेप अपने से अगले स्टेप को एक्टिवेट करता जाता है.
कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. कैल्शियम का रोल आप मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी जानते हैं, कैल्शियम का रोल ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम आपकी हड्डियों को दांतों को मजबूती देता है. कैल्शियम का ही रोल साइनेप्स में इंपल्स ट्रांसमिशन में भी होता है. जब नर्व इंपल्स एक्सॉन एंड बल्ब पर पहुंचती है तो वहां पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोलती है. सो कैल्शियम के क्या क्या रोल है बॉडी में वो आपको ध्यान रखना है. मिल्क प्रोटीन कैसीन का डाइजेशन जब पढ़ा था याद है, वहां पे भी कैल्शियम पैरा कैसीनेट बनता है. सो कैल्शियम के जो जो रोल्स हैं बेटा जी वो आपको ध्यान रखने हैं, राइट. चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनेगा. जब ये बनेगा तभी तो ये अगला स्टेप कैटालाइज करेगा. क्लियर है जी, आपके सामने अगला स्लाइड आ चुका है, देखेंगे, मेरी आवाज पे फोकस रखेंगे और स्क्रीन पे देखते रहेंगे. ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, साथ के साथ कोई फालतू मैसेजेस नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच जी, अनुपमा जी, शंभु जी. देखिए सामने फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इसी को प्रोथ्रोम्बिनेस भी कहते हैं. व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिनेस, अदर नेम ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. सो कैसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर? इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय, यहां लिख देते हैं, दो तरीके हैं इसके बनने के. इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे और इट कैन बी फॉर्म्ड बाय इंट्रिंसिक पाथवे. अब ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे की डिटेल्स आप बेशक मत जानिएगा, सिंपल ध्यान रखिएगा. इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे द इंजरी इज एक्सटर्नल, मान लीजिए बाहर से कोई चोट लगी है, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, टिश्यूज डैमेज हुई है. इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड जो फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल में उसे इंटरनली कहीं से कोई इंजरी हुई है. अगर अंदर की तरफ कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज थे या ब्लड वेसल में कहीं से पहले प्लेक डिपॉजिट हो रखा है कोई, वो भी ब्लड के लिए इंजरी होगी. खून जब बह रहा है ब्लड वेसल्स में उसको एक बहुत ही स्मूथ ब्लड फ्लो चाहिए होता है. अगर ब्लड वेसल की वॉल अंदर से कहीं से भी डैमेज है तो भी ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का जिक्र करते हैं यहां पे. एक्सट्रिंसिक पाथवे ये बड़ा तेजी से होता है, इट अकर्स रैपिडली विद इन सेकेंड्स. और ट्रॉमा जब बहुत ही सीवियर है, जब बाहर से कोई चोट लगी है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो बनना है वो एक्सट्रिंसिकली बनना है. इट इज सो नेम्ड, इसको ऐसा नाम क्यों दिया है? बिकॉज अ टिश्यू प्रोटीन कॉल्ड टिश्यू फैक्टर TF, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, आप में से बहुत लोग ये नाम जानते हैं. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज गोइंग टू लीक इन टू द ब्लड फ्रॉम द सेल्स आउटसाइड द ब्लड वेसल एंड इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज. सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में इंजरी बाहर से है और इंट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है इंजरी इंटरनल है. एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ये बहुत ही तेजी से होता है, रैपिडली, और ये तब होगा जब ट्रॉमा जो है वो सीवियर है. और इसका नाम क्यों रखा है? बिकॉज जो टिश्यू फैक्टर टिश्यू प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसमें वो बाहर से आया है, इट लीक्स इन टू द ब्लड फ्रॉम सेल्स आउटसाइड. क्लियर है जी इतनी बात, एक्सट्रिंसिक पाथवे, राइट. ट्रॉमा मींस इंजरी, हाँ आप सही कह रहे हैं, ट्रॉमा से मतलब क्या है? इंजरी. देखो बेटा जी मैंने एक स्लाइड आपके लिए बनवा दी है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे को समझाती हुई. एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू को ट्रॉमा हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड को ट्रॉमा हुआ. अंदर से ब्लड में कोई इंजरी हुई, हो सकता है खून के बहाव में कोई रुकावट आई हो, वो भी एक इंजरी की तरह है. टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, ये वाला स्टेप देख पा रहे हैं. नाउ टिश्यू फैक्टर ने एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनाया, ये देखिए, और कैल्शियम आयंस का यहां पे रोल रहा और अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेस बन गया. सो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे किस चीज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ये चाहिए हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए, जिसे आपने प्रोथ्रोम्बिनेस कहा. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन जाएगा यही तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा. ये नीचे का स्टेप आप देख पा रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बन जाएगा यही तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा. प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर में बनता है और फाइब्रिनोजन भी लिवर में बनता है. क्लियर हो रही है जी इतनी चीजें, राइस नाइस, क्लियर है आपको? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जसवंत जी पूछिए आप दोबारा से. अस्मित प्रकाश जी बिल्कुल आपका नाम ले लेते हैं, आपने कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, बताइए अब आपके नाम में खास क्या है. नहीं जी अस्मित मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आप मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्यों लिया जाए, उसकी वजह बताइए. आपने कोई आंसर नहीं दिया, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा है.
ठीक है, चलिए आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछते रहिए, साथ के साथ सेंसिबल क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन, तो मैं नाम भी लूंगा और आंसर भी दूंगा, सिर्फ आपको खुश करने के लिए आपका नाम नहीं लूंगा यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे। वेल, टिश्यू फैक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। वो टिश्यू फैक्टर किस चीज से बना है? लाइपोप्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से, बस इतना ध्यान रखना। और अल्टीमेटली उसने क्या बना दिया है? प्रोथ्रोम्बिनेस। बस इसकी ज्यादा डिटेल्स बेशक आप जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन आपको याद रखना है बेटा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे कहां पे इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्लियर है जी? नाउ इंट्रिंसिक पाथवे में दिखाता हूं। इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है देन द एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये धीरे काम करता है, इसमें कई मिनट भी लग सकते हैं। इसका ये नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इट्स एक्टिवेटेड, इट्स एक्टिवेटर्स आर ईदर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड और दे आर कंटेन्ड विद इन द ब्लड। जब ब्लड को इंटरनली कोई इंजरी हुई है तो यह पाथवे शुरू हो जाता है। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहां पे कुछ कोलेजन फाइबर्स इंटरनली एक्सपोज हो गए थे, तो जो प्लेटलेट्स यहां पे ट्रेवल कर रही हैं, ये इन प्लेटलेट्स के लिए इंटरनल एक इंजरी होगी, वहां पे इंट्रेंसिक पाथवे शुरू हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने का। राइट जी? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं जी। इंट्रेंसिक पाथवे की ही डिटेल्स बताई गई हैं कि जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ब्लड वेसल की वॉल के अंदर वाले सेल्स, दे बिकम रफंड और डैमेज्ड। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इंटरनली इंजरी हो गई कोई ब्लड को तो भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। जब वो प्रोथ्रोम्बिनेस बन गया है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। वही बात आपके लिए लिख देता हूं। बेसिकली करना क्या था, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन लिवर लगातार बना रहा है, दिस प्रोथ्रोम्बिन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। इसके लिए चाहिए कैल्शियम आयंस, और साथ के साथ क्या चाहिए था? यही प्रो थ्रोम्बिनेस। प्रोथ्रोम्बिनेस का ही दूसरा नाम था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के ही दो तरीके हमने पढ़े। एक पाथवे पढ़ा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा पाथवे हो सकता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवेज जो हैं वो इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनाने की कहानी है। जब यह बन गया तो आगे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और यह थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह काम करेगा और यह कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। और यहां पर भी कौन से आयंस का रोल है? कैल्शियम का। और जब फाइब्रिन बन गया है, फाइब्रिन थ्रेड लाइक प्रोटीन है, धागे जैसा प्रोटीन है। मान लीजिए ये रहे फाइब्रिन के थ्रेड्स, और इनके अंदर फंस जाते हैं ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और वो सब मिल करके जो ये पूरी चीज बन गई है, इसी पूरी चीज को हम कह देते हैं क्लॉट। ठीक है जी? फाइब्रिन के धागों ने क्लॉट बना दिया। क्लॉटिंग टाइम आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, 3 to 5 minutes हो सकता है। हेमोफीलिया के केस में, विच इज ब्लीडर्स डिजीज, आगे हम पढ़ेंगे वो भी, जो कि एक एक्स क्रोमोसोम लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया कई प्रकार का हो सकता है। हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है। क्लियर है जी? वेल, हाँ जी, जल्दी से पूछिए। आपने देखा, डस सीरम हैव ग्लोबुलिंस एंड एल्बुमिंस? बेटा, सीरम में से ब्लड के प्रोटीन्स जो हैं वो माइनस हो चुके हैं, सीरम कैन नॉट क्लॉट। गिरीश जी, क्लियर है? मेघा, अंश, आपने कहा प्रोथ्रोम्बिन को लिवर में सिंथेसाइज कौन करता है? अंश जी, लिवर के सेल्स का नाम बताइए पहले मुझे। अंश, मेरा सवाल है आपसे, व्हाट आर द सेल्स ऑफ लिवर कॉल्ड? राइट, शंभू जी मुझे करेक्ट कर रहे हैं जी, 2 to 8 minutes होता है। शंभू जी, कौन सी किताब में आपने ये पढ़ा है बताइए, रेफरेंस दीजिए। गाइटन फिजियोलॉजी, गेनोंग, टॉर्टोरा, मार्टिनी, मैरीब, कहां पढ़ा है आपने ये 2 to 8 minutes? जल्दी से। ओके,
श्रेया कह रही है जी क्रिस्टल क्लियर है. ओके अभिषेक कह रहे हैं सीरम कैनॉट क्लॉट. राधा रमन मोहंती जी ये सवाल आप केमिस्ट्री टीचर से पूछिए, कैल्शियम को Ca2+ क्यों लिखते हैं, आपका सवाल है Ca2- क्यों नहीं लिखते. आप ये भी पूछ सकते थे Ca12+ क्यों नहीं लिखते, आप Ca2- पर ही क्यों रुके. हां जी अगला सवाल हिपेटोसाइट्स, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है कि हिपेटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ लिवर. अब आपको जवाब मिल गया जी कि हिपेटोसाइट्स जो होते हैं वहीं पे ये प्रोटीन्स बन रहे हैं. राइट जी, क्लियर, ओके आगे बढ़ सकते हैं, वंडरफुल. आप सेंसिबल क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंसिबल आंसर्स मिलेंगे. चलिए इधर देखिए, थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट्स, थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन विच इज सॉलिबल टू द लूज फाइब्रिन थ्रेड्स. सो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया. यहां पे आप देख सकते हैं फाइब्रिन के थ्रेड्स जो हैं उन्होंने प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लिया बेटा. फाइब्रिन धागे जैसा प्रोटीन है, प्लेटलेट्स को, आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को ट्रैप जब कर लिया तो वहां पे ये ऐसा एक मेशवर्क, एक नेटवर्क बन जाएगा और इसी चीज को हम क्लॉट कह देते हैं. वंस अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, जब एक क्लॉट बन जाता है इट प्लग्स द रप्चर्ड एरिया ऑफ द ब्लड वेसल एंड इट स्टॉप्स द ब्लड लॉस. राइट, लेकिन थोड़ी देर बाद इस क्लॉट को सिकुड़ना पड़ता है. विद इन हाफ एन आवर टू वन आवर दिस इज गोइंग टू रिट्रैक्ट. उसको लिखा है क्लॉट रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना. इट इज द टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट. जैसे ही वो रिट्रैक्ट करता है इट पुल्स द एजेस ऑफ द डैमेज्ड वेसल क्लोजर टुगेदर. वो जो ब्लड वेसल के किनारे टूट गए थे ये उन्हें पास ले आता है ताकि वहां पे रिपेयर प्रोसेस शुरू हो सके. और जब ये रिट्रैक्ट कर रहा है सीरम कैन एस्केप बिटवीन द फाइब्रिन थ्रेड्स बट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड वो वहां से एस्केप नहीं कर सकते हैं. क्लियर है जी, ठीक है जी. शिवेंद्र जी आप फोकस कीजिए लेक्चर पे. मिंती जी कह रही है ब्यूटीफुल डायग्राम, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन. चलिए इतना समझ आया है, आगे देखते हैं विटामिन के का क्या रोल है. आपने सुना होगा विटामिन के जो है इट इज एंटी हिमोरेजिक विटामिन, है ना, फाइलोक्विनोन. विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसमें से प्रोथ्रोम्बिन एक मेन है. विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर. विटामिन के की जरूरत हमारी जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो सफिशियंट अमाउंट में विटामिन के बनाते हैं. ठीक है, सो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जहां पे विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा इंटेस्टाइन में तो ब्लीडिंग रिलेटेड टेंडेंसी जो है वो हो जाती है. या फिर अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो, एंटीबायोटिक्स जब आप ले रहे हैं लंबे समय तक वो लार्ज इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को मार डालती है. द लेवल ऑफ विटामिन के गोज डाउन. विटामिन के इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी. क्लियर हो गया जी, राइट. चलिए इधर देखिए, विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इज नॉर्मल. तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन लिपिड्स के साथ होता है. ध्यान दीजिएगा किन्हीं कारणों से अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया मर गए, उनमें कमी आई, ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपने ली हैं, या मान लीजिए आप फैट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे ठीक से तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहां पे समस्या आ जाएगी ब्लड क्लॉटिंग की. पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स दैट स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स से फॉर एग्जाम्पल inadequate release of bile into the small intestine, they often experience uncontrolled bleeding as a consequence of vitamin K deficiency. I hope आपको ये बात clear हो गई. ये aims में assertion reason question में पूछा जा सकता है that prolonged use of antibiotics can result in bleeding disorders. Reason, the antibiotics are going to kill these good bacteria also. Level of vitamin K will go down. Liver will not synthesize prothrombin in sufficient amount.
क्लियर है जी, राइट right? संकल्प ने कहा शायद इसीलिए डॉक्टर्स विटामिन्स भी देते हैं. बिल्कुल जी, बीकासोल का जो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको दिया जाता है साथ के साथ, ताकि लेवल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का वो भी ठीक रहे. आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो बी विटामिन्स भी बनाते हैं, और जो बी विटामिन्स हैं वो पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं. अगर बी विटामिन्स का लेवल डाउन हुआ इंटेस्टाइन में, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक्सक्रीटा के साथ पानी बाहर आएगा, लूज मोशन हो जाएंगे. यही एंटीबायोटिक्स का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है, लूज मोशंस. क्लियर है जी. चलिए इसी पे जल्दी से लाइक्स बढ़ाइए. राधा रमन महंती जी ने एक ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके 200 बार भेजा है. आई थिंक दैट वी शुड ब्लॉक यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. यू आर अ गुड स्टूडेंट. आप अभी के अभी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, देख लीजिएगा अगर आपने दोबारा ये गलती करी. राधा रमन महंती, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, दोबारा आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे. चलिए सबको क्लियर है जी, आगे बढ़ सकते हैं, राइट right? चलिए जल्दी से लाइक्स दबाइए, लाइक्स बढ़ाइए, ताकि मैं आगे बढ़ के आपको और कंसेप्ट बता पाऊं. नॉर्मली जो क्लॉट बनते हैं शरीर में उन्हें डिसॉल्व करना भी जरूरी है. क्लॉट के डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो है फाइब्रिनोलाइसिस कहलाती है. व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड एन इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम, जब क्लॉट बनता है तो उसमें प्लाज्मिनोजन ऐड कर दिया जाता है साथ के साथ, और यही प्लाज्मिनोजन जो है फिर ये कन्वर्ट होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो इसे प्लाज्मिन में बदल देता है. तो प्लाज्मिनोजन से जब प्लाज्मिन बनता है वो क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है. बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड कंटेन सब्सटेंसेस दैट कैन एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन. सो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में जब कन्वर्ट करते हैं वही फाइब्रिनोलाइसिन कहलाता है. क्लियर है जी. नाउ इधर देखिए, हमारी इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग भी होती है. इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग से क्या मतलब है, मान लीजिए कि बाहर से कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, फिर भी जो हमारा ब्लड है वो अपने आप क्लॉट कर सकता है. इंटरनली कई एबनॉर्मल क्लॉट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में अपने आप बन सकते हैं. ऐसे एबनॉर्मल क्लॉट्स जो अपने आप बनते हैं उन्हें थ्रॉम्बस कह देते हैं. मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है बेटा जी, इस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट बना और वो ब्लड सेल की वॉल के साथ जुड़ा हुआ है. That clot is what is called thrombus, right? So many a times this thrombus can detach. ये डिटैच हो गया, इट इज फ्रीली फ्लोटिंग इन द ब्लड, तब इसे एम्बोलाई कहते हैं या एम्बोलस कहते हैं. सो थ्रोम्बस वो क्लॉट है जो ब्लड वेसल की वॉल के साथ जुड़ा हुआ है. राहुल मैंने प्लाज्मिनोजन समझा दिया बेटा, आप एक बार फिर से जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसे रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है जी. सो जब वो थ्रोम्बस टूट के टहलने लगता है ब्लड में उसे एम्बोलस कहते हैं. क्लियर है जी. और आपके लंग्स में इस तरह के एबनॉर्मल क्लॉट्स के बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. वो इसलिए क्योंकि लंग्स में ब्लड का फ्लो काफी स्लो हो जाता है. जहां भी आपके ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है वहां पे क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच जी सुधा. आयुष जी आपको क्लियर हो गया. शेखर सुमन मिश्रा जी कह रहे हैं हमारे दिमाग में घुस गया है, राइट right. चलिए दैट्स ग्रेट. बिल्कुल सारी चीजें समझ आनी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म को एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी के लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो आप डिसरिस्पेक्टफुल वे में कुछ भी लिखते रहेंगे स्क्रीन पे, दैट इज रॉन्ग. यू विल इमीडिएटली बी ब्लॉक्ड बाय द एडमिन. क्लियर, राइट. सो इधर देख लीजिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने लिखा है. पल्मोनरी इज रेफरिंग टू लंग्स. एम्बोलिज्म मीन्स जहां पे एबनॉर्मल क्लॉट्स फ्लोट कर रहे हैं. अब आप ये देखो, मैंने एक ब्लड वेसल दिखाई, एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन है आपके लिए. इसमें क्या है, ये वाली चीज जो डिपॉजिट हो रखी नहीं, जो ढेर लगा हुआ है अंदर, ये ब्लड के वेसल के अंदर प्लाक बना हुआ है. और इस प्लाक बनने के कई कारण हो सकते हैं. हम पढ़ेंगे आगे कि कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो गया और जब खून का बहाव इसके पास से निकलेगा तो यहां पर क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाएगी. ठीक है जी, क्लियर है, राइट मेरे राजा बेटा. शिवम जी, मुस्कान, अंश, प्रिया, इशाश्री, सुरभि, दिलीप, सबको क्लियर है. विकी, वारफेरिन और बाकी एंटीकोएगुलेंट वगैरह मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ. मिंती जी क्लियर है, दैट्स वंडरफुल. चलिए एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमने आगे डिस्कस करने हैं. एंड एट द एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म. थोड़े दिनों के लिए जो आपको ये ऑप्शन मिला है 7 डेज ट्रायल का, प्लीज उसे जरूर अवेल कीजिए. और फाइनली जब आप डिसाइड करें प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है.
ठीक है मेरे राजा बेटा, अब आपसे विदा लेने का समय आया. यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको सारी चीजें समझ आई. ब्लड क्लॉटिंग में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है. टोटल हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस मैंने समझाया है, दिस इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए हुए. ओके जी, नमस्कार, बाय बाय, कल मिलते हैं दोबारा फिर एक नए टॉपिक के साथ. ठीक है, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना नहीं भूलेंगे. इधर देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए अभी के अभी अपलोड हो जाएंगे. जितने भी स्लाइड्स आपने देखी, ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आपको कुछ नहीं लिखना है अलग से. लाइक एंड शेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट. सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें. और हम बहुत जल्दी टीचर्स डे वाले दिन एक स्पेशल सरप्राइज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. सो जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.